नमस्कार, हमारे साथ अभी हैं भूमि से सुधार राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल जी हैं। हम बात करेंगे, कई तरह की योजनाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो अभी इनके पास हैं और लोगों के लिए वह फ़ायदा साबित होने वाला है। देखिए, यहाँ योजना की कोई बात होती नहीं है, यहाँ तो भूमि सुधार से संबंधित जितने मामले हैं जिनका कार्य कोई आम जन को प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ सहयोग में लोग मिलते हैं, उनको जो आवेदन मेरे पास आता है उस पर निर्देशित करने का काम करते हैं और ससमय वह काम पूरा हो जाए ये निर्देश हम देते रहते हैं। कोई इस तरह की योजना जो अभी सोशल मीडिया का आपको ऐप्स वगैरह आप देखे होंगे कि लगातार आवेदन प्राप्त हुए हैं मुझे और मैंने TCLR को, एडिशनल कलेक्टर को या फिर अंचल अधिकारी को नापी का सवाल है, बरसों से नापी नहीं कराया है तो उनको निर्देश देने का काम किया। जहां भूमि का विवाद है, जो सरकार की द्वारा हमारे द्वारा इस तरह की व्यवस्था कराई गई है कि शनिवार को थाना अध्यक्ष अंचल अधिकारी के सामने जाके आवेदन देना, उस मामले का तुरंत निष्पादन करना, इस तरह का काम लगातार चल रहा है। ऑनलाइन मोटेशन का सवाल है, ऑनलाइन लगान का सवाल है या भूमि संबंधी जो भी विवाद है, जल्द से जल्द निष्पादन कराने के लिए ये सब हम लोग यहाँ बैठते हैं, सहयोग के लिए बैठते हैं। आम जन या BJP या फिर जो भी कार्यकर्ता किसी दल का हो आते हैं और मिलता है, उसका काम हम करते हैं। बिहार सरकार की तरफ से जल जीवन हरियाली की जो योजना है चल रही है, ज़्यादातर उसमें यह ध्यान दिया जा रहा है कि जो तालाब हैं वो उस पर अतिक्रमण कर लो कब्जा के। तालाब, आहार, पोखर, पैन का सवाल है, जहाँ अतिक्रमण हुआ है लगातार अभी जलवायु परिवर्तन के दिशा में उस सब ध्यान को रख कर करते। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत लगातार विभिन्न जिलों का दौरा किया है और हम लोगों ने सरकारी अपने अधिकारी को निर्देशित किया है कि जो पोखरा है, पैन है, आहार है, जो आम जन के द्वारा अतिक्रमित या अतिक्रमण किया गया है, चाहे तो अपील करिए उनसे हटने के लिए, और जो अपील जिनके समझ में नहीं आता हो उनको पूरी ताकत के साथ अतिक्रमण मुक्त कराने का काम करवा रहे हैं और अन्य विभागों के माध्यम से, चाहे मनरेगा हो, मनरेगा हो या अन्य माध्यम से, उन पोखरा का, तालाबों का, आहारों का, पैनों का, सबका सुदृढ़ीकरण, खुदाई का काम या घाट बनाने का काम, ये सब काम चल रहा है। तो साफ तौर पे आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जो योजना है, जल जीवन हरियाली की योजना है, ज़्यादातर गाँव में तालाब के आसपास में अतिक्रमण किया गया है और भी ऐसी भूमि से संबंधित जो विवाद होते हैं उनको सरकार की तरफ से या तो जबरन कब्जा किया है उसको कानून के ज़रिए भी उनको ख़त्म करने की योजना है और जल्द ही जल जीवन हरियाली की जो मुख्यमंत्री की योजना है आने वाले समय में लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और अभी के बदलते परिस्थिति में जो मानसून में बदलाव आए हैं उसके लिए भी काफ़ी हितकर साबित होने वाला है। पटना से पंजाब केसरी TV के लिए संजीव की रिपोर्ट।